क्या हो अगर फलस्तीन वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाए सल्तनत फलस्तीनी में। वाओ यार, ये तो अच्छा नाम लग रहा है। तो आज का हमारा गोल है इस फलस्तीन को कन्वर्ट करना है सल्तनत फलस्तीन, यानी इसको हमें वर्ल्ड का सुपर पावर बनाना है। और ये काम करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सल्तनत फलस्तीन बनाने के लिए हम लोगों को देखना है, जहां तक मुझे पता है फलस्तीन जो है उसको हमें सबसे पहले इसका नाम चेंज करना होगा। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। सही, मैंने नाम लिख दिया लेकिन हम लोग कोई इमोजी नहीं लगा सकते। सही है, तो ये चेंज हो जाएगा 500,000 में, ओके 500,000 में ऑलमोस्ट। हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके कर दिया सल्तनत फलस्तीनी। इसको मैं जो है ना आजाद करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कैप्चर करना होगा। जहां तक मुझे पता है फलस्तीन में जो लोग रहते हैं वो अरबिक है ना, तो यहाँ पर जितनी भी अरबिक कंट्रीज हैं उन सबको फलस्तीन के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये सल्तनत फलस्तीन बन जाएगी। यानी तुर्की तो वैसे यहाँ पर तुर्की बोली जाती है, लेकिन इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा इसके साथ। इराक और साथ में ईरान को भी ज्वाइन, अरे यार अच्छा लग रहा है ईरान, इसलिए ज्वाइन कर दूंगा। बाकी जॉर्डन और इजिप्ट, साथ में लीबिया और ये सऊदी अरब, और सऊदी अरब के साथ साथ ओमान, यमन, यूएई और ये कौन सा मुल्क है, कतर, इन सबको जो है ना हमें ज्वाइन करना है फलस्तीन के साथ। मतलब इन सबके ऊपर हमें सबसे पहले कैप्चर करना होगा। इट्स ओके, हम लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन सबसे पहले मैं जो ना अपने गेम को सेव कर लूं। तो मैंने गेम सेव कर लिया है। मैंने गेम सेव इसलिए किया क्योंकि फ्यूचर में मुझे लगता है अगर मैं ये कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई बंड हो जाए, फलस्तीन इतना पावरफुल हो गया हम और हमारे फलस्तीन के अचानक से कोई खराब हो गया, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से फलस्तीन से फाइट हो गए, तो प्रॉब्लम ना हो जाए। और यहाँ पर इतने सारे अपने झंडे क्यों दिख रहे हैं? ओके, यहाँ पर हमने बहुत जगह पे कब्जा किया हुआ है, अच्छा लग रहा है वैसे भी अपने झंडे इतने सारे। तो अभी हमें अपने ऊपर काम के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले जो है ना इन जगहों पर अटैक करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले कैप्चर करना है, ओके तो ये है ये, और यहाँ पर इराक पे, जॉर्डन पे कब्जा करना है। तो जॉर्डन से मैं बोलकर देखता हूँ, शायद ही हमें ज्वाइन कर ले, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। इन सबसे एक एक दफा पूछ लेते हैं ना, कोई ना कोई ज्वाइन कर ले शायद, मे बी, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओ यार अचानक से वाओ, ये हुआ ना, एक कौन सा मुल्क था, लेकिन ये कुवैत मेरे ख्याल से मुल्क था, कुवैत ने हमें ज्वाइन कर लिया। और ये बुर्जुल अरब जो है ये सब, वो अच्छा, इसके पास बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें जाने वाली हैं उसके पास, किसके पास, जॉर्डन के पास, सॉरी गलती से बोल दिया, फलस्तीन के पास। ओके, तो अभी मैं इनसे भी पूछ के बताता हूँ। सिर्फ कतर ने हमें ज्वाइन किया, बाकी इन सब के ऊपर कैप्चर करना पड़ेगा। कितना बोरिंग होने वाला है इस पार्ट को अगर मैं फुल स्पीड में गुजार दूंगी, इन सब के ऊपर कैप्चर करना इट्स नॉट, लेकिन मैं इसको दिखा भी सकता हूँ, ये अच्छा होगा, थोड़ा मजेदार होगा। तो हम लोग सबसे पहले जॉर्डन के खिलाफ जो है ना यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जाके रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। हमें परमिशन मिल चुकी है और अब हम लोग जो है जॉर्डन के ऊपर फुल स्पीड में अटैक करने वाले हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इस चीज के लिए मैं। जॉर्डन के पास पता नहीं कैसी आर्मी हो, तो मैं सभी भेज रहा हूँ। वैसे इसके बाद बिल्कुल भी कोई खास आर्मी नहीं होने वाली, इतना तो पक्का है। और अपनी मैं आर्मी की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि जॉर्डन बिल्कुल ही बगल में रखा हुआ है। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था जो मैंने ये तुर्की के अंदर अपना जो है आर्मी डेवलपमेंट पॉइंट, मेरे ख्याल से ये ट्रूप्स डेवलपमेंट पॉइंट जो था, मैंने यहाँ पर मूव किया था। हमारी आर्मी पहुंच चुकी है और हम लोग जो है इसके ऊपर ऑटो बैटल करवा दूं, वैसे भी सोच रहा हूं, लेकिन मैं स्टार्ट बैटल करूं क्योंकि इससे मेरे जो है ना कम सिपाही मरते हैं अगर मैं इस तरह करता हूं। जॉर्डन हमारा हो चुका है और हमारा सिर्फ एक चीज का नुकसान हुआ है, वो भी 1717 के मैं अभी से बिल्ड कर लूंगा। और यहाँ पर जॉर्डन के बाद अब हम लोगों को वर्क करना है सऊदी अरब, नहीं हम लोगों को कतर पे, फिर ईरान पे, फिर सऊदी अरब पे। तो अभी नहीं सऊदी अरब पे किस पे करूँ, पहले इराक पे करना है मैं सबसे पहले। सही है, तो इराक के खिलाफ मैं यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन में वोटिंग डाल देता हूँ, और जब तक वोटिंग चल रही है तब तक मैं अपने जो है ना बाकी काम कर लूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर भी फोकस करना। तो हमारी रेजोल्यूशन अप्रूव हो चुकी है और अब हम लोग इराक के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इराक से हम पूछ नहीं सकते, ओके, तो हम लोग बस अटैक करने वाले हैं। फाइनली कतर भी हमारा हो चुका है और अब हम लोग इसे भी एनेक्स कर लेते हैं, और हमारे 300 कुछ ऐसे चीजें मरी हैं उनको दोबारा से बिल्ड कर लूंगा मैं। अब मुझे कैप्चर करना है ईरान के ऊपर, ओके सही है। तो ईरान से मैंने पूछा हुआ तो है लेकिन इसने मना कर दिया, तो ईरान के खिलाफ हम डालेंगे रेजोल्यूशन। तो मेरी रेजोल्यूशन अप्रूव हो चुकी है और अब मैं जो है ईरान के ऊपर अटैक करूंगा ताकि ये हमारा हिस्सा बन जाए, और फिर मैं इसको फलस्तीन को डोनेट करने वाला हूँ। क्या यार, किस किस से लड़ना पड़ रहा है? ओके, मेरी डिफेंस अलाइन भी हुई है ईरान के साथ, ओ शिट वो भी टूट जाएगी। तो
ईरान भी अपना हिस्सा बन चुका है बहुत इजीली, और यहाँ पर ये क्या मुसीबत है, एक तो मैं इतने बड़ी वीआईपी फाइट्स कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है टेररिज्म हो जा रहा है मुल्कों के अंदर। इसको जल्दी से कंट्रोल करूँ ताकि फिर मैं बाकी चीजों के ऊपर फोकस कर सकूँ। ओ नाइस, एक चीज तुम लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ आ गया जब ईरान अफगानिस्तान और इसके साथ अच्छा एक साथ किया, तो देखो यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर से सब कॉन्टिनेंट हट गया रशिया साइड पे से लिखा हुआ, पूरे एरिया में बस एक दफा लिखा हुआ आएगा कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर सही से दिख रहा हो, तो यहाँ पर अच्छा और यहाँ पर से भी हट गया, ये तो पूरा यहाँ तक लेकर आ गया। चलो अच्छा है, अभी मुझे जो ना कहाँ पर सऊदी अरब पे करना है और इससे मैं एक दफ़ा और पूछ लूँ, खैर क्या ही पूछूँ अब मैं इससे। तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर सेक्शन, ये करवा दूंगा और ये करवाने के बाद जो है मैं अब इसके खिलाफ वोटिंग डालूंगा। और यहाँ पर क्या वोटिंग चल रही है इसको हटाओ। ओके, तो हमें परमिशन मिल चुकी है सऊदी अरब के ऊपर अटैक करने की। सऊदी अरब ने अभी तक फलस्तीन के हक में कुछ बोला है ना, शायद नहीं बोला, मेरे ख्याल से नहीं बोला यहाँ तक मुझे पता है, पता नहीं क्यों कर रहा है यार ये ऐसा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे इसकी मर्जी। इसके साथ भी अपना जो है ना वो था डिफेंस अलायंस का, लेकिन वो हमने तोड़ दिया। तो सऊदी अरब भी अब हमारा हिस्सा बन चुका है और अपनी आर्मी दोबारा बिल्ड करनी होगी मुझे। एक मिनट, अपना हिस्सा बना कि नहीं बना, ये क्या हो रहा है, लैग हो गया गेम में भी? हाँ लैग हो गया था। ओके, तो लैग भी होता है ये गेम इतना ज्यादा, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो अब हमारा अगला टारगेट यमन या ओमान, वैसे मैं चाह रहा था इनमें से कोई खुद ही हमें ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये लोग ज्वाइन नहीं करने रहा। व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस ब्रो? से तो अभी लीबिया पे अटैक करना है मुझे। तो हमें यूनाइटेड नेशन से परमिशन मिल चुकी है लीबिया पे अटैक करने की, और मैं इस पर कैप्चर करके मिलता हूँ। तो लीबिया भी हमारा हो चुका है, बस जल्दी जल्दी इसके ऊपर कैप्चर करूँ जगहों पे ताकि फिर हम लोग ना ग्रेटर फलस्तीन क्रिएट कर पाए। तो अब अगली बारी है यमन की। सही, तो हमें परमिशन मिल चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं यमन पे अटैक करने के लिए। एक दफा और एक मिनट, इसके ऊपर सिलेक्शन लगा दे, सिलेक्शन पहले लगा दूँ उसके बाद पूछूंगा, हो सकता है उससे इसका जो ना ग्रोथ रेट रुके तो फिर ये हमें ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए। नहीं, ये रेडी नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग अटैक करने वाले हैं। ओके, तो यमन हमारा हो चुका है और अब ओमान के ऊपर कैप्चर करना है। इसे भी एक दफा बोल के देख लेते हैं, नहीं ये भी ज्वाइन नहीं कर रहा। ओके, एज यू विश। ओके, तो हमने ओमान के ऊपर कब्जा कर लिया, ये मैंने ऑटो बैटल करी क्योंकि ओमान कुछ ज्यादा जो है पावरफुल नहीं। तो मेरे ख्याल से सारे नहीं अभी सारे न्यू है, अभी रहते हैं एक ये रहता है यूएई मेरे ख्याल से, ये एक कतर। ओके, तो कतर से मैं बोल के दोबारा देख लेता हूँ, भाई ज्वाइन कर लेना यार, क्यों इतना परेशान कर रहे हो। मैं जल्दी से कतर और यूएई के ऊपर भी कब्जा कर आया। 2000 years later. ओके, तो बहुत टाइम के बाद जो है हम लोग इन सब के ऊपर भी कैप्चर कर लिए। मेरे से बहुत ज्यादा भंड हो रहा था, बार बार जो है ना इधर से उधर में जाया जा रहा था, तो फाइनली हम लोग ने इस पूरी जगह पे कब्जा कर लिया है और अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ग्रेटर फलस्तीन। अभी इससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जाकर फिलिस्तीन को जो है ना करना है आजाद। तो ग्रांट इंडिपेंडेंस पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे और ये फिलिस्तीन हो चुका है आजाद। और अब ये जितनी भी टेरिटरीज हैं ये सब हम लोग फिलिस्तीन को डोनेट करने वाले। तो अब स्टार्ट करते हैं फिलिस्तीन को डोनेट करना। ओके, डोनेट कैसे करते थे, पहले आएंगे हम लोग फिलिस्तीन के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर अच्छा इसके अंदर एम्बेसी वगैरह बना ले, सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात इसके साथ अपने होने वाले हैं और किसी के भी नहीं होने चाहिए इसके साथ, सबसे ज्यादा अच्छे हमें अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे ये भेजने के लिए। ओके, तो शायद अब हो गए होंगे अपने रिलेशन अच्छे, सही है। तो अब मुझे जो है ना इसको ये सारी चीजें डोनेट टेरिटरी में जाने वाले हैं और अब हम लोग इसको सारी जो है ना टेरिटरीज जो हमें इसके देनी है वो हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे यमन वगैरह भी देना था तो यमन भी दे दिया। यमन देने के बाद अब लोग अच्छा मैं टाइम रोक देता हूँ ना, अब मैं सारी टेरिटरीज इसे एक दफा डोनेट कर दूँ उसके बाद में आता हूँ। फाइनली हमने ये सारी कंट्रीज जो भी थी वो फलस्तीन को दे दी और गलती से अफगानिस्तान भी दे दी, लेकिन इट्स ओके। और अब मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ एक मिनट, ये क्या ये हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया, हालांकि उसके बाद भी ये ऐसे क्यों दिखा रहे जैसे ये हमारे साथ है। यू आर शोइंग इट लाइक दिस, ये इसको ऐसे दिखा रहे जैसे ये हमारी कंट्री को नहीं दिखाते क्योंकि इसके ऊपर फलस्तीन लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन ये इसको ऐसे दिखा रहे जैसे ये हमारे साथ ज्वाइंट हुआ हुआ। इट्स ओके, जो भी है। अब मुझे जो ना फलस्तीन की ये चीजें नोटिस करनी, अच्छा नहीं अभी
एक चीज और रहती है, हम फलस्तीन को बहुत सारे पैसे और उसे बहुत सारी चीजें यानी कि आर्मी डोनेट करने वाले ताकि वो वर्ल्ड सुपर पावर बन जाए। प्रेजेंट आर्मी करनी है और सेंड गिफ्ट करना है। सेंड गिफ्ट में हम लोग क्या पैसे भी सेंड कर सकते हैं ना? वैसे नहीं, नहीं कर सकते, तो हम लोग सपोर्ट तो कर ही देंगे इसको वैसे भी। इसके अलावा हमें इम्प्रूव रिलेशन की जगह हम लोग इसे जना, हाँ इस तरह हम लोग इसे पैसे दे सकते हैं और हम लोग प्रेजेंट आर्मी करते हैं। तो अपनी सारी आर्मी में से भेजने वाला, फिर मुझे सारी आर्मी जनरेट भी करनी होगी दोबारा से, तो अपनी सारी आर्मी में इसको देने वाला, फिर मैं दोबारा से जाके अपनी आर्मी बनाऊंगा। सही है, तो हमने इसको जो ना अपनी बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी इसे डोनेट कर दी। अब यहाँ पर तुम लोगों को दिख रही होगी इसकी 494 तक की पावर, और अपनी कैसी हो जाएगी, अपनी जीरो हो गई। नहीं अब इसकी, हाँ 494 ही अपनी जीरो हो गई, लेकिन अपनी अभी अभी बिल्ड हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। हम लोग इसको देने वाले हैं बहुत सारे पैसे, 99 अब मैं अपने पास रख लेता हूँ, बाकी 2 जो है वो इसको दे देता हूँ। तो क्योंकि मुल्क को अभी मुझे अपनी आर्मी खरीदनी है, तो मुझे उसके लिए अपने अच्छा पहले आर्मी खरीद लेता हूँ, फिर बाकी सारे पैसे इसे दे दूंगा। ओके, तो मैंने अपनी सारी आर्मी दोबारा से बिल्ड कर ली, और अभी देखना फौरन से ऊपर चेंजेस चेक करना, चेंजेस आ गए, देखा आ गए, बेहतरीन हो गया। अब जो है ना अपनी सारे बकाया पैसे में जो है ना अभी इसको डोनेट करने वाला हूँ, और 55 तक बस अपने मुल्क के अंदर रखे, और अब जो है ना मुझे यकीन है ये आ जाएगा वर्ल्ड सुपर पावर के अंदर। स्टेट नेशन में जाने के बाद हमें जाकर यहाँ पर देखना है वर्ल्ड सुपर पावर में, अभी तक तो खैर नहीं आया, ये आ जाएगा अगर मैं इनमें से किसी एक को हटा दूं यहाँ पर से शायद। और यहाँ पर अपने वोट्स में देखें तो सेकंड नंबर पे अब आ रहा है फलस्तीन, 298 तक की इसकी बेहतरीन वोटिंग पावर हो चुकी है। और फलस्तीन के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि ये हम दोनों को एक ही कंट्री दिखा रहा है, लिटरली एक कंट्री दिखा रहा है। अब बस मुझे देखना है ये फलस्तीन करता क्या है इतने टाइम में, तो अब बस एक काम है और कोई काम नहीं है कि हमें ये देखना है कि फलस्तीन ने क्या किया। ओके, तो मैंने बहुत ज्यादा वेट किया है और मैं थक गया यार वेट कर करके, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सुकून और शांति हुई भी है, तो मेरे ख्याल से ये कोई जो है ना बिलाफालतू तो मैं एग्रेसिवली वर्क नहीं करना चाह रहा, अच्छी बात है इसके पास आर्मी है सब कुछ है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और न्यूज के भी मैंने बहुत ज्यादा देखा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये फलस्तीन ने कोई ऐसा कुछ काम वाम किया हो। बाकी अभी फलस्तीन जो ना सेकेंड वर्ल्ड सुपर पावर के सेकेंड नंबर पे आ रहा है, क्योंकि पहले पे तो हम ही हैं। तो आज की वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी? मुझे फलस्तीन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि ये वर्ल्ड सुपर पावर बना रहा है, या फिर मैं दोबारा से जो है ना अपनी जगह वापस ले लूं और कंटिन्यू करूं आगे जो है ना वर्ल्ड के ऊपर कैप्चर करना? तुम जो भी बोलोगे वैसा ही हम करेंगे, कमेंट के अंदर भर दो तुम्हारे जो है ना कमेंट, देखकर हम अगला फैसला करने वाले हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखना, जाने से पहले लाइक और कमेंट लाजमी कर देना। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।